मैंगो पाई बनाने की विधि। पहले बाउल में हम लेते हैं ये अनसॉल्टेड बिस्किट्स और इन्हें हम क्रश कर लेते हैं तोड़कर, या आप चाहें तो ब्लेंडर में डालकर इसे ब्लेंड कर सकते हैं। और देखिए इसका बढ़िया ये पाउडर तैयार है। इसमें अब हम डालेंगे ये पाउडर्ड शुगर, मक्खन, और इसे मिक्स करके तैयार करते हैं इस तरह का ये डो। एक पाई मोल्ड है हमारे पास, इसे जो है अब प्लेट पर रखकर इसके नीचे ये प्लेट रखेंगे। तो इसमें जो है इस मोल्ड के बीच में ये सारा मिक्सचर इसमें हम डाल लेते हैं और अच्छे से इसे दबाकर सेट कर लेते हैं चम्मच से। इसे जो है अब हम फ्रिज में रखेंगे करीब 5 मिनट के लिए, थोड़ा ठंडा होने के लिए। जार में हम लेते हैं ये व्हिप क्रीम और इसे जो है विस्क से अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे, यानी कि मिक्स कर लेंगे। और साथ में आप डालेंगे ये मैंगो प्यूरी और थोड़ा सा यह जेलेटिन मिक्सचर, इसे भी हम अच्छे से विस्क कर लेते हैं। और देखिए ये इस तरह बिल्कुल तैयार है। तो 5 मिनट के बाद हम फ्रिज से उस मोल्ड को निकाल लेते हैं और देखिए ये रेडी है। अब इसके ऊपर जो है ये टॉपिंग क्रीम है, इसे हम डाल लेते हैं अच्छे से और दबाकर इसे अच्छे से हम सेट कर लेते हैं, देखिए ऐसे। अब इसे जो है हम रेफ्रिजरेटर में दोबारा रखेंगे करीब 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद देखिए हम निकालते हैं इसे और ये हमारा मोल्ड जो है बिल्कुल ठंडा ठंडा है ये। तो इसे जो है अब हम डीमोल्ड करेंगे, ऐसे आराम से इसे ऊपर की तरफ उठाते हुए, देखिए ये निकल गया है। तो इसके ऊपर हम डालते हैं ये मैंगो प्यूरी या फिर पल्प, इसे अच्छे से पूरा जो है हम स्प्रेड कर लेते हैं। अब बाद में ये व्हिपिंग क्रीम साइड में और इसके ऊपर जो है पुदीना की 2 पत्तियाँ और ये मैंगो स्लाइसेस गार्निशिंग के लिए। तो देखिए ये कितना सुंदर और कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये मैंगो पाई। इसे आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिए घर पर और अपने बच्चों के साथ आप एंजॉय कीजिए।